जय दोस्तों, चार्ली एकेडमी से मैं जीतू फौजी। जो बच्चे इंडियन आर्मी में जीडी के अंदर भर्ती होना चाहते थे लेकिन अपने हाइट और एज की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो अब उन बच्चों को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलने वाली, क्योंकि मैं आप लोगों को आर्मी जीडी के जगह पे सेम डिफेंस के अंदर ही नेवी जीडी मतलब कि एमआर के बारे में बताने हैं। दोनों को कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि अगर आपका आर्मी जीडी छूट गया तो आपका हाइट नहीं है या एज नहीं है तो भी आप इंडियन आर्मी के जगह पे आप नेवी जीडी के अंदर भर्ती हो सकते। तो मैं आपको पूरा कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों के अंदर आप किस तरीके से इसमें रह गए तो इसमें जा सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सपने को जिस तरीके से उड़ान भरना था वो दोबारा जिंदा हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा यहां पे, ये देखिए, एक तरफ है आर्मी जीडी और दूसरे तरफ है नेवी जीडी मतलब कि एमआर, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं बिल्कुल हाइट, वेट, एज, एजुकेशन और ड्यूटी। तो हाइट देखिए, आर्मी जीडी का जो हाइट है वो यहां पे 170 सेंटीमीटर है। अगर किसी बच्चे का हाइट अगर यहां पे नहीं था, वो जीडी में नहीं जा पाए, लेकिन वो नेवी जीडी में 157 सेंटीमीटर पे भी जा सकता है। आप ये देखो, ध्यान देना कि 157 सेंटीमीटर पे भी आप नेवी जीडी के अंदर मतलब कि नेवी एमआर के अंदर जा सकते हो। इसका मैं काम बताऊंगा क्योंकि दोनों की ड्यूटी सेम है और क्वालिफिकेशन भी सेम है। अब यहां पे इनका जो वजन है, वेट अगर देखेंगे तो 50 से 70 के बीच में, इसका भी 50 से 70 के बीच में दिया हुआ है। अब यहां पे एज की बात करते हैं तो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक आर्मी जीडी का है, आप लोगों को पता है। लेकिन आपको नेवी जीडी के अंदर भी 17 से 20 साल का इसके अंदर एज दे रखा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो जीडी के अंदर, आर्मी जीडी के अंदर सारी सीक्वेंस है, वही आपको नेवी जीडी मतलब कि नेवी एमआर के अंदर सारी चीजें दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पे क्वालिफिकेशन, ये भी 10वीं पास से है और ये भी 10वीं पास से, और दोनों के अंदर जो परसेंटेज की डिमांड है गवर्नमेंट का वो 45% है। तो अब आप कंपेयर करके देख रहे हैं। अब आ जाते हैं ड्यूटी कि दोनों में ड्यूटी क्या होता है। जो जीडी की ड्यूटी होती है, मैं आपको बताता हूं कि जीडी की ड्यूटी के अंदर जो भी बच्चे सिलेक्ट होकर के जाते हैं, वो अंदर सेंटर में जाने के बाद उनको ड्राइवर या फिर उनको ओपीआर या सर्वे या गनर एक्स वाई जेड जो भी चीजें वहां पे ड्यूटी होता है, उनको एक टेस्ट के बाद वहां पे डिफाइंड करके बता दिया जाता है कि भाई आपको ये ट्रेड मिला है। लेकिन अगर बात यहां पे हम लोग करें नेवी के, इसकी बात करें हम लोग, तो यहां पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास कि आपको किसी तरीके से ड्राइवर या एक्स वाई जेड इन सब चीजों में नहीं भेजते। वहां पे आपको फुल एंड फाइनल एक आपको ड्यूटी दिया जाता है कि अंदर आप किसी भी तरीके से कोई भी महकमे के अंदर जाते हैं तो आपको मैनेजमेंट का एक काम दिया जाता है। मैनेजमेंट के अंदर आपको जैसे आपको कोई भी डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि अगर आप मैस में जाते हैं तो वहां पे पूरा आपको हाइजीनिंग का ध्यान रखना है, या फिर वहां पे क्या काम कैसे काम करवाना है, मेनू क्या डिसाइड होना है, ये सारी चीजों का आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए वहां पे जो लोअर क्लास का आपका जो मैनेजमेंट होता है, मतलब कि वो काम कौन करता है, जीडी वाला बंदा करता है, मतलब कि एमआर वाला बंदा ही वहां पे ये सारी चीजों को मेंटेन करके ए टू जेड सारी चीजें करता है। अब यहां पे एक बात और देखने को मिलता है कि भाई नेवी जीडी में और आर्मी जीडी में और क्या क्या फर्क होता है, क्योंकि बच्चों का ड्रेस से बहुत ज्यादा लगाव होता है कि भाई मैं इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लूंगा। तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं कि इंडियन आर्मी के ड्रेस के साथ साथ आपको जो नेवी जीडी का भी ड्रेस है मतलब कि एमआर का भी जो ड्रेस है वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पे ड्रेस के साथ साथ पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ड्रेस के पीछे जा रहे हो तो ड्रेस बहुत ही अट्रैक्टिव होता है नेवी का भी, और आर्मी का तो आप फैन है ये तो मैं जानता हूं, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट, अगर आपका जॉब नहीं लगा तो फिर आपको सैलरी कहां से मिलेगी। तो जॉब लगने के बाद आपको ये ड्रेसें मिलेंगी। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म में एक और ये दो ड्रेस, इसको नंबर वन ड्रेस बोलते हैं, नंबर वन ड्रेस बोलते हैं, इसको कंबाइंड ड्रेस बोलते हैं, जिसको हम चीता ड्रेस भी बोल देते हैं। और यहां पे ये नंबर वन ड्रेस है और ये इसका दूसरा ड्रेस है, जो यहां पे आप देखते होंगे कि हमेशा शिप में जो नेवी वाले बंदे होते हैं वो इस तरीके से पहनते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एमआर के जो यहां पे कैंडिडेट भर्ती होकर के जाते हैं उनको इस तरीके का ड्रेस वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लुक वाइज होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहां पे लेवल की बात करते हैं कि ये भर्ती किस लेवल पे निकलता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो इंडियन आर्मी की भर्ती निकलती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की भर्ती निकलती है। किसी भी स्टेट के अंदर जब ये भर्ती निकलती है तो उसका डिस्ट्रिक्ट डिफाइन किया जाता है कि
थी, अगर जैसे दिल्ली की भर्ती निकली है या फिर यूपी की भर्ती निकली है तो यूपी में बता देंगे कि भाई उत्तराखंड के बच्चे आएंगे, अयोध्या के बच्चे आएंगे, तो ये सारी चीजें वो ऑलरेडी डिसाइड करके रखता है। लेकिन जब वही बात हो जाती है नेवी जीडी की, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको ऑल इंडिया लेवल पे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक और गुड न्यूज बताता हूं कि जो आर्मी की भर्ती होती है वो साल में एक बार आती है। अगर आप रिलेशन के बच्चे हैं तो एक आप रैली भर्ती देख लेंगे और एक आप रिलेशन की भर्ती देख लेंगे। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे नेवी जीडी के अंदर, तो आप साल में दो भर्तियां, ये फिक्स है, दो भर्ती तो 101% आनी डेट के साथ डिसाइड किया होता है। तो मतलब कि 6-6 महीने पे भर्ती आती है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो ये 10वीं लेवल का जो कंपटीशन है नेवी जीडी का, जो एमआर लिखा रहता है, और ये आर्मी जीडी का, इसके अंदर आप आराम से भर्ती हो सकते हैं। तो जो भी बच्चे जीडी में भर्ती या आर्मी में भर्ती या फिर अपने गवर्नमेंट जॉब का सपना लेकर के चल रहे थे, अब वो बिना हाइट वाले बच्चे जो ओवर एज हो रखे हैं, वो बच्चे इसके अंदर हताश ना हो और वो आराम से भर्ती देख सकते हैं। अब बात करते सैलरी की, तो दोस्त अगर ड्रेस थोड़ा सा उनका बहुत अच्छा लगता आपको तो इसके अंदर सैलरी आपको अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखेंगे तो 35 से 40 हजार रुपए सैलरी इसमें दिखा रखा है। ये 35 से 40 हजार की सैलरी लगभग 50 हजार के अमाउंट में चला जाता है। क्यों? वहां के जो आपका इनके साथ साथ अलाउंस मिलता है वो लगा करके आपका लगभग कितना हो जाएगा, 50 हजार हो जाएगा। लेकिन अगर साथ में यहां पे सिंपल देखें तो 42 से 45 हजार रुपए सैलरी आपका किसमें मिल रहा है, नेवी जीडी के अंदर। और इनका भी अगर आप जैसे एरिया के अकॉर्डिंग हापा चापा अलाउंस की बात करें तो इसमें भी यहां पे इनको क्या मिल जाता है, लगभग 55 हजार के समथिंग ये चला जाता है। मतलब कि एक तरफ अगर कुछ चीजों का फायदा, अगर ड्रेस का यहां पर अच्छा लग रहा है तो यहां पर आपको सैलरी का अच्छा, लेकिन मेन मायने रखता है आपकी जो नौकरी है, जिससे कि आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगा और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहां पे फिजिकल के बारे में बात करते हैं। इसका जो भर्ती का प्रोसीजर होता है, इसके अंदर क्या होता है कि पहले नंबर पे आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद इसके अंदर मेडिकल होगा, और इसके बाद यहां पे क्या होगा, रिटर्न होगा। ये इसके बाद फिर आप यहां पे भर्ती माने जाएंगे। और अगर यहां पे अगर आप फिजिकल यहां पे बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले क्या होता है, रिटर्न होता है, और सेकंड नंबर पे इसमें क्या होगा, फिजिकल होगा, और थर्ड नंबर पे क्या होगा आपका, यहां पे मेडिकल होगा, और उसके बाद फिर आप यहां पे आप भर्ती हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों से आप देखें कि यहां पे पहले फिजिकल, यहां पे पहले रिटर्न, यहां पे दूसरे नंबर पे मेडिकल, यहां पे तीसरे नंबर पे मेडिकल, यहां पे तीसरे नंबर पे रिटर्न है तो यहां पे तीसरे नंबर पे मेडिकल, मतलब कि इक्वल है आगे पीछे ये थोड़ा बहुत, लेकिन सारा पैटर्न बिल्कुल सेम ही है तीनों में, फिजिकल रिटर्न मेडिकल, फिजिकल रिटर्न मेडिकल आप देख रहे हो, और चौथे नंबर पे फिर भर्ती। तो इसमें कोई ज्यादा मतलब की वो दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आप फिजिकल में देखेंगे तो आपका 100 नंबर का फिजिकल होगा जो कि दो पार्टों में होता है। जो दौड़ होता है 1600 मीटर का दौड़ होता है वो 60 नंबर का होता है, इसको भी 48 और 60 में कन्वर्ट किया जाता है। और इसके बाद इसके अंदर बीम होता है, तो बीम में अगर आप देखते हैं तो आपका 40 नंबर का बीम होता है। उसके बाद आपका इसके अंदर एक जिगजैग बैलेंसिंग होता है, जिगजैग बैलेंसिंग होगा, और एक 9 फीट का गड्ढा कूदना होता है। और यहां पे अगर आप फिजिकल में देखते हैं तो इसके अंदर 1600 मीटर का जो रेस होता है वो 7 मिनट का पूरा टाइमिंग दिया होता है, और 20 इसके अंदर स्क्वाड लगाने पड़ते हैं और 10 पुशअप लगाने पड़ते हैं। आपको पुशअप पता होगा कि आपको बैंड डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, पुशअप लगाने पड़ते हैं। और रिटर्न की बात करें तो इसके अंदर 100 नंबर का रिटर्न होता है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो 75 नंबर का इसके अंदर रिटर्न होता है। तो मतलब बहुत ही ईजी है ये, आपको जीडी से ज्यादा आसान होगा नेवी जीडी के अंदर भर्ती होने में। तो आप बहुत इजीली तरीके से इसको देख सकते हैं और भर्ती हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चार्ली एकेडमी की। तो चार्ली एकेडमी में आप सभी को पता है कि जो भी बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, बेल्ट की नौकरी में जाना चाहते हैं, तो हमारी दिल्ली के अंदर 6 जगह पे ब्रांचेस है, और अभी हम लोगों ने यूपी के प्रयागराज में भी अपना ब्रांच डाला, बहुत ही बड़े लेवल पे डाला है। वहां पे भी हम लोग आर्मी के जो भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं फिजिकल, उनका पावर बैच चला रहे हैं, उसका आप यहां पे डिटेल देखेंगे तो आप नंबर देख सकते हैं, 75 23 99 75 88 या 75 23
1999-73-88 यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो कैंडिडेट या जो बच्चे दिल्ली में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं वो 99-11-86-11-60 या 99-11-83-11-60 पे कॉल कर सकते हैं। मेरी अकेडमी के अंदर आपको वन टाइम फीस में फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, इन सारे चीजों की तमाम पूरी कंप्लीट तैयारी करवा करके आपको भर्ती करवाते हैं। तो आप लोग मेरी अकेडमी के अंदर चाहे दिल्ली या यूपी के अंदर आप विजिट करें, आपके सपनों को पूरा करने की गारंटी मेरी है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज इसमें डाउट हो या नहीं समझ में आए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपके पूरे डाउट को क्लियर करूंगा और आपको चाहे जीडी में आर्मी हो चाहे जीडी में नेवी हो मैं आपको सिलेक्शन करवाऊंगा, ठीक है। जय हिंद।